हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव का करप्ट होना, ख़राब होना एक आम सी बात है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके मोबाइल का डेटा या आपके मोबाइल का मेमोरी कार्ड, आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या आपकी कोई भी पेन ड्राइव, यूएसबी, कोई भी फ्लैश डिवाइस, वो कैसे करप्ट होती हैं, कैसे उसमें एरर जो है वो आते हैं, कैसे वायरसेस जो हैं इंक्लूड होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज हम जानने वाले हैं करप्टेड डेटे के रिलेटेड, करप्टेड डिवाइसेस के रिलेटेड। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, डिटेल के साथ हम जानने वाले हैं कि पेन ड्राइव कैसे करप्ट होती है, हार्ड डिस्क कैसे करप्ट होती है और ईच इन एवरी थिंग आज हम इसके सॉल्यूशंस और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए आज के इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको डिटेल के साथ इन चीज़ों का पता हो और आने वाले फ्यूचर में आपका डेटा, आपके डिवाइसेस सिक्योर रह सकें और आप अच्छे से उनका यूज़ लाइफ टाइम तक कर सकें। मेरा नाम है अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं आपके हार्ड डिस्क या आपकी फ्लैश यानी कि यूएसबी या आपकी कोई भी ऐसा स्टोरेज सिस्टम जो कि करप्ट हो जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है आपके फाइल सिस्टम का। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके थ्रू जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं, डेटा देते हैं या लेते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किरदार अदा करता है कि अगर आपका हार्ड डिस्क डैमेज हो रही है यानी कि करप्ट हो रही है या आपकी यूएसबी करप्ट हो रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हो सकता है। वो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं, यानी कि वो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं, आप सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा रीज़न होता है अगर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो रही है या आपकी यूएसबी करप्ट हो रही है या आपका कोई मेमोरी कार्ड करप्ट हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इस चीज़ में। फ्रेंड्स, नंबर टू की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस को गलत तरीके से रिमूव करना। अक्सर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो अपनी यूएसबी या कोई मेमोरी कार्ड जो कि कार्ड रीडर के साथ कनेक्टेड होता है, किसी भी पीसी के साथ, लैपटॉप के साथ, और जब उसकी फिनिशिंग हो जाती है या वो दुरानी फिनिशिंग में वो देखते हैं कि 1 GB डेटा इंस्टॉल हो गया है, मींस के वो ट्रांसफ़र हो गया है हमारे कार्ड में, तो वो गलत तरीके से उसको निकाल देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो करप्ट हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो सकती है, आपकी पेन ड्राइव है वो करप्ट हो सकती है, और उसमें जितना भी डेटा है उसका भी लॉस हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं ये गलती भी करते हैं कि लैपटॉप में या कंप्यूटर में जब भी उनका कोई मेमोरी कार्ड कार्ड रीडर के साथ या कोई भी यूएसबी लगी होती है तो उसको जो है वो डायरेक्टली जो है ना वो निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनको सिंपली जाना चाहिए राइट क्लिक करके ऑप्शंस में और वहाँ पे जाके सेफली रिमूव टू दी एसडी कार्ड या यूएसबी, ठीक है, उसको वो करना चाहिए, या इजेक्ट का ऑप्शन आता है उसको करना चाहिए। और अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो मोबाइल में भी आप जो है वो डायरेक्टली उसको रिमूव ना करें। सबसे पहले अनमाउंटेड का एक ऑप्शन होता है जो कि मोबाइल में होता है, उसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपने मोबाइल के स्टोरेज डिवाइस यानी कि एसडी कार्ड जो है उसको आप सेव रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है उसको अगर रिमूव करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपका स्टोरेज डिवाइस जो है वो करप्ट हो सकता है, ख़राब हो सकता है और आपके डेटे का भी नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात हम करें तो नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास आता है कि अगर आपके स्टोरेज डिवाइस जो है वो करप्ट होता है तो उसके पीछे एक बिग रीज़न है, वो हो सकता है एक वायरस। अगर आपके जो स्टोरेज है उसमें वायरस आ जाता है तो उस वजह से भी आपका जो डेटा है उसका लॉस हो सकता है, आपकी यूएसबी, आपकी हार्ड, आपका मेमोरी कार्ड जो है वो ज़ाया हो सकता है। तो ऐसे क्या होता है कि एक वायरस होता है जो कि सिंपल एक छोटा सा बेसिक वायरस होता है, अगर वो आपके मोबाइल में आ जाता है यानी कि आपके एसडी कार्ड में या आपके यूएसबी में, जब भी आप किसी और लैपटॉप से मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसे में वो वायरस होता है वो आपकी जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको डीफाइल्स कर देता है। डीफाइल्स करने के बाद आप ना डेटा को ओपन कर सकते हैं ना देख सकते हैं, वो शॉर्टकट्स में क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि आप उस मेमोरी कार्ड को या यूएसबी या हार्ड को आप फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट करने के बाद आपके पास चांसेस हैं कि वो आपके पास उसकी स्टोरेज जो है वो पहले जैसी फ्रेश अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आपका डेटा जो है वो करप्ट हो जाता है। वो रीज़न सेम वायरसेस की वजह से हो जाता है जो कि इंटरनेट के ऊपर या डिफरेंट मोबाइल्स वगैरह में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं, बाद में आपके मोबाइल में पड़े रहते हैं और आस्ता आस्ता उसकी मकदार जो है वो वक्त के साथ बढ़ती रहती है।
तो इसलिए वायरसेस का होना भी आपके सिस्टम की करप्शंस के लिए अहम किरदार अदा करता है। फ्रेंड, इसके साथ एक और आपको रीज़न बता दूं कि आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो कैसे करप्ट होता है। तो बहुत सारे पर्सन जो हैं अपने मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड होता है उसको फॉर्मेट करते हैं, उनके पास जो USB होती है या हार्ड डिस्क होती है उसको फॉर्मेट करते रहते हैं। फॉर्मेट इसलिए करते हैं कि उसके अंदर जो भी वायरस है वो ख़त्म हो जाए और फिर हम न्यूली तरीके से अपने डेटा को जो है वो स्टोर करें। तो ये जो है ये बहुत ही गलत तरीका है। बार बार किसी भी स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट करना गलत है, इससे आपका स्टोरेज डिवाइस जो है वो ख़राब हो सकती है और आपको नेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र करने में भी इशू हो सकता है। फ्रेंड्स, नंबर 5 के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके जो SD कार्ड्स होते हैं या कि जो फ्लैश होती है या आपकी कोई हार्ड होती है, जब भी आप उसको पिन करते हैं यानी कि प्लग करते हैं तो उसमें आप प्लग करते हैं, प्लग नहीं होती, आप निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर लगाते हैं, तो ऐसे आपके जो है ना वो प्लगिंग में मसला आ सकता है, आपका प्लग डैमेज हो सकता है और जो उसके ऊपर जो उसके शेल्स बने होते हैं उसमें डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो ये फिज़िकली डैमेज की वजह से भी आपका जो स्टोरेज है वो करप्टेड हो सकता है और आपके स्टोरेज को नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल गया होगा। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिस्पॉन्स जो है वो जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें व्हाट्सएप के ऊपर और शेयर करें फेसबुक के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।